अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। मेरठ के अनेक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो कल से जमकर वायरल हो रहा है, जो कि एक शादी में तंदूर की रोटियां बनाते हुए एक आदमी की है। लेकिन इस वीडियो में ये कोई आम रोटियां नहीं हैं, बल्कि ये रोटियां हैं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी शादी समारोह में मिलने वाले खाने से भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, दरअसल ये वीडियो एक ऐसे हिंदू शादी समारोह का है जिसमें एक व्यक्ति तंदूर की रोटियां बनाते हुए प्रत्येक रोटी पर थूकता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं थूक लगी हुई रोटियों को तंदूर में सेक रहा है। वहीं आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि अपने ही शहर के मेरठ के अरोमा गार्डन में होने वाली एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। और अब इस अज्ञात व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने शादी में आने वाले सभी व्यक्तियों का धर्म भ्रष्ट किया है और इसी के साथ उसने कोरोना जैसी महामारी को भी बढ़ावा दिया है, जो कि एक समाज के विरुद्ध अपराध है। इस पूरे मामले को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी मंडपों में खाना बनाने वाली जगह पर, साथ ही अन्य जगहों पर भी कैमरे की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। फर्स्ट बाइट की रिपोर्ट।